बेटी जो है वो जयपुर पैदल रवाना हुई है, आखिर क्या है, क्यों न्याय के लिए वो बेटी जो है दर दर भटक रही है? देखिए वहाँ उन घटना हुई थी, उस घटना के ऊपर एसपी साहब भी गए थे, मैं भी गया था और कई लोग और भी वहाँ गए थे। परिजन उस जांच अधिकारी से पहले संतुष्ट नहीं थे, फिर नितिन आर्य साहब से दोबारा जांच दिलवाई और उनसे भी कई बार बात की। तो मेरी तो यही बात हुई थी उनसे कि उनके जो पेरेंट्स हैं सेटिस्फाई है, संतुष्ट हैं, और फिर भी संतुष्ट नहीं है तो उनको न्याय के लिए जांच वो मांग कर रहे हैं कि जांच चेंज करने की, तो जांच चेंज करके मांग उनकी जांच करवा दे। लेकिन बिना आधार बिना तथ्य तो किसी को पकड़ के डालना वो भी ठीक नहीं है। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष कहीं फंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार निष्पक्ष और निर्दोष जांच चल रही है और उनको कोई डाउट है तो और भी वो बताएं और सही जांच करवा सकते हैं। जेठाराम की बेटी का ममता का कहना है कि जो लोग अभी भी उनके घर के पास गाड़ियां लेके आ रहे, हॉर्न दे रहे, उनको गाली गलौज कर रहे। देखिए इस बारे में मुझे कोई इतनी डिटेल में पता नहीं है, लेकिन मैं जितना सुना उतना ही आपको मैं बता रहा हूँ।